तो गाइस मैं अपना मोबाइल दे रहा हूँ पकड़ने के लिए, तो सीधा नदी में कूद ही नहीं का साला। इधर तो लोग समुंदर बोलते हैं, हम तो नदी बोलते हैं। हाँ ये भी है, गधेरा भी वो बोल सकते हैं। हाँ गधेरा भी बोल सकते हैं। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. हेलो दगड़ियों नमस्कार। पहला तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक। तो आज मैं जा रहा हूँ गोवा में वागातोर बीच। तो आज दिखाता हूँ आपको वागातोर बीच का नज़ारा। तो अभी हमें चपोरा में एक जगह है चपोरा, तो वहाँ हम लोगों का रूम है। तो आप देख सकते हो ये जो मार्केट है ना, रात को काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर ना, बहुत सारे यहाँ पर फॉरनर लोग आते रहते हैं। देखो यहाँ पर काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे शाम के टाइम में। पूरा मस्त जगह है यहाँ पे, काफ़ी मस्त लगता है एकदम गांव के जैसा। देखो पूरा ही आप देख रहे होंगे ना, बड़े बड़े पेड़, ये सब नारियल के पेड़ हैं, पूरा नारियल लगे हुए हैं उसमें। और ये यहाँ के रेस्टोरेंट, वैसे काफ़ी अच्छी जगह है गोवा, बहुत मस्त जगह है। हम लोग अभी प्लान बना जाने का, अभी तो सो के उठा मैं, और भाई जी ने बोला चलो चलते हैं बीच पे। मैं बोला ठीक है। हेलो, ये हैं भाई जी, भी चल रहे हैं बीच पे, देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ना पूरा देखो जंगल ही जंगल है। हेलो, ये देखो पूरा जंगल है, ये देखो जंगल के बीच में से कुछ ऐसा दिखता है गोवा का नज़ारा। हमें रास्ता भी पता नहीं है, रास्ता भटक गए हम, कहाँ को जाना है करके। रास्ता भी पता नहीं कहाँ कहाँ को है। देखो पीछे से आ रहे हैं, यही है शायद रास्ता। ये देखो यहाँ के रास्ते सेम गांव के जैसे रास्ते हैं यहाँ पे। ये देखो और वो क्या चीज़ हो गया यार ऊपर, वो रेस्टोरेंट है क्या वो भी हैं वो ऊपर, वो बैंड बोलने वाला वो भाई कुछ दिख नहीं रहा। बाप रे बहुत डेंजर रास्ता है। देखो ऐसा लग रहा कि मैं अपने गांव में चल रहा हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है ऊपर। जंगल पूरा घास ही घास दिख रही है, इधर उधर झाड़ी। अरे इसके बीच में से रास्ता, ये देखो कितना डेंजर है ये रास्ता। तो अभी 5 मिनट और लगेंगे शायद। हेलो 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 हेलो, हमारे भाई जी नहाने की तैयारी, सीधा नदी में कूद मारेंगे, जेब में क्या क्या है वो दे देते हैं। बिल्कुल है, गांव की याद आएगी भैया। हम लोग नदी में ऐसे नहाते हैं, तुम्हारे तो नहाते नदी में। अरे क्या बात है। ये देखो ये जिम है ना, ये देखो जिम है इधर, ये यहाँ तो जिम भी खेतों में जैसे खोल रखा है यार। तो गाइस मैं अपना मोबाइल दे रहा हूँ पकड़ने के लिए, तो सीधा नदी में कूद ही नहीं का साला। इधर तो लोग समुंदर बोलते हैं, हम तो नदी बोलते हैं। हाँ ये भी है, गधेरा भी वो बोल सकते हैं। हाँ गधेरा भी बोल सकते हैं। हमारे लिए तो गधेरा ही हुआ है।
फिर तो भाई अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ओ देखो सामने बीच दिख रहा है, आज का एंजॉय करना था ना। काफी भीड़ है यहाँ पे सब पार्किंग के लिए, सब गाड़ी खड़ी है यहाँ पार्क में। ओ भाई पहुँच गए हम, कितना मस्त दिख रहा है ना। हाय हाय हाय, ये देखो इधर से भी, ये भी रेस्टोरेंट है। देखो बियर की बॉक्स जा रही है। इधर आगो गधर, अरे गधेरे में आ गए हम, आ गए हैं गधेरे में बोले। ये देखो ये है वाघा तो बीच। भाई तो तुम्हें मेरा मोबाइल पकड़, हाँ मोबाइल पकड़ा। तो भाई ये देखो इनको कितनी जल्दी हो रही है नहाने की, आए नहीं बस मोबाइल पकड़ में जा रहा हूँ बल डुबकी लगाने। देखो इनको यहाँ पे देखो मस्त सब इंजॉय कर रहे हैं। वाह मजा आ गया यार। ये है देखो गोवा का बीच है। चप्पल आगे लेके आ जाओ भाई। ये देखो इनको अभी अभी ये जा रहे हैं, जाते जा रहे आगे मत जाना भाई। ये देखो भाई इनको तो इतनी जल्दी है नहाने की। देखो ओ हो कहाँ तक पानी आ रहा है और इतनी बड़ी बड़ी लहर है। वाओ ओहो देखो वहाँ पहुँच गए हो। ये कोई कोई लहर ना बहुत बड़ी आ रही है। तो ये देखो भाई आ गए हैं नहा के, कैसा लगा? मजा आया? मजा आया भाई। ठंडी तो नहीं लग रही है? नहीं ठंडी नहीं, हाँ तो धूप है, गर्मी। मतलब गधेरे का जैसा ऐसा रहा? पूरा गधेरे जैसा ठंडी ना है। अच्छा तुम तो बहुत आगे तक पहुंच गए यार, डर नहीं लग रहा था क्या? पानी इतना ही तो है वहाँ में। डर नहीं लग रहा है? अच्छा देखो भाई जी यहाँ पर मस्त करके बैठ गए हैं। तुम क्या बना रहे हो ये? इनकी कलाकारी देखो मजे। ये देखो कुछ ऐसा दिखता है गोवा का नज़ारा है बीच का। और रेस्टोरेंट भी है वो देखो सामने, रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे आप बैठ के खाना भी खा सकते हो बीच का मज़ा लेते हुए। ये देखो बहुत मजा आ रहा है यार यहाँ पे। हेलो काफी मस्त नज़ारा है यहाँ का, आप गोवा हो तो जरूर यहाँ पे आओ भागत और बीच में मस्त फैमिली के साथ यहाँ पे इंजॉय करो। पर ना धूप बहुत लग रही है अभी ना, पूरा आँखों में धूप लग रही है, आंखें खुल भी नहीं पा रही है धूप से, बहुत तेज की धूप है। पर नहाने में तो मज़ा ही आ रहा होगा, मैं तो अभी गया नहीं, वो ही गए भाई नहाने के लिए। पर मेरा भी मन है अभी जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी मोबाइल को इनको दे के मैं जाऊंगा नहा के आ जाएगा। तो भाई बोट जा रही है अभी देखो, वो देखो अभी वो लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, मस्त लहरों का नज़ारा। ओ वहाँ पे देखो बहुत मस्त जगह है यार, अगली छुट्टी के दिन ना मैं बहुत मस्त करके आऊँगा यहाँ पे, पूरा दिन यहीं रहूँगा। आज तो हम वो कोने से ये कोने में पहुंच गए, इधर चलते चलते ये देखो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, नीचे लोग नहा रहे हैं मस्त करके। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और टाइम हो गया, अभी डुबकी लगाता हूँ मस्त करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो ये जा रहे हैं बीच में, तो भाई साहब इनकी क्या गारंटी नहीं है क्या कुछ हो जाए करके। तो भाई ये गोवा वाली बीच में
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. मैं नहा के आ चुका हूँ, काफी मस्त मजा आ रहा था. यहाँ तो मन कर रहा है नहाते रहूँ. देखो मस्त, बहुत आगे तक गया था मैं, काफ़ी मस्त लग रहा है. घूम के आगे निकल रहे हैं रूम के लिए. काफ़ी घूम लिया और काफ़ी नहा भी लिया है, और टाइम भी काफ़ी हो गया है क्योंकि हमें 3 बजे ड्यूटी भी जाना है. तो कल छुट्टी है तो बोटिंग करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है. कल तुम मजे लोगे और मेरी तो ड्यूटी है. आइसक्रीम खिला दो इसी खुशी में भाई. अभी ले लिया हमने आइसक्रीम, मजा आ रहा भाई. अरे रास्ता यही तो दूसरा था, यही था ना. यहाँ का तो रास्ता ही पता नहीं हम लोगों को. इधर ही आगे हमारा रूम है तो हम लाइव में फर्स्ट टाइम गोवा है लाइव. हाँ पहली बार हम गोवा आए हैं. हाँ बहुत ठंडा है तो नहीं, यहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से ठीक है. यहाँ भी तो कौन सा सर्दी लग रही, गर्मी तो है. ये बात भी है. का जो नज़दीक स्टेशन है ना, कौन सा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन तिभीम ना, तिभीम. तिभीम से आपको आना पड़ेगा मापसा, और मापसा से तुम्हें बस पकड़ के आना पड़ेगा चपूरा. चपूरा में ही पड़ता है ये वाकत और बीच. कौन है वो पता नहीं. आधे रास्ते भी पहुँचे हैं अभी हमें, कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं रूम पे जाने के लिए. रूम से यहाँ तक आने के लिए 20-25 मिनट का रास्ता है पैदल. तो अरे की बोल छो, कुछ ना बोलू रे बाबा. ओ भाई जी एक पहाड़ गीत गाओ यार, एक गीत गाओ. पहाड़ कलाकार होते तो यहाँ होते आज. तुम कलाकार कम हो गया, कौन सा वाला गाना गा रहे थे तुम कल? अरे कहाँ यार भाई कलाकार, चाह को कौन सा था ना. इधर जिंदगी झंडो हो रखी है, चाह को होटल खोलेंगे. कहाँ होटल खोलेंगे, गोवा में नहाओ मस्त होके. पहुँच चुके हैं रूम के बाहर. तो गाइस तो शाम को यहाँ पर पब्लिक इतनी होती है ना, पाँव रखने के लिए जगह नहीं होती. हाँ ये ना शाम को ही चलता है ये चपोरा, दिन में बंद रहता है. पहुँच चुके हैं रूम पे, काफ़ी मस्त था वहाँ का नज़ारा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी बढ़िया लग रहा था. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा.